हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट और मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत ही नजदीक आ गया है और मैं जानती हूँ आप सभी लोग गणपति डेकोरेशन का वेट कर रहे होंगे। इस साल के गणपति डेकोरेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज से शुरू करते हैं हम गणपति डेकोरेशन की कड़ियाँ, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरा गणपति डेकोरेशन सिखाएंगे कुछ अलग और अपने नए अंदाज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन का समय है, अगर आपको सामान न मिले तो जो सामान आपके पास में है आप उसी से अरेंज करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं भी इसी तरह से बनाना सिखाऊंगी आपको कि जो आसानी से मिल जाए और आप उसे बना सकें आसानी से। और कोशिश करके यही रखेंगे कि जो सामान हमारे पास में हो या जो इजीली मिलता हो घर की घर में, हम वही सामान का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर मैंने बेस ले रखा है, बेस प्लाई का बेस लिया हुआ है। नीचे हमारी टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने प्लाई रखी है। देखिए ये मैंने रेक्टेंगल प्लाई ली है, एकदम स्क्वायर है। साइज आप अपने हिसाब से साइज लीजिए, आपको क्या साइज का बनाना है। जैसे मैंने जो ये रेक्टेंगल प्लाई ली है इसे मैंने 3.5 बाय 3.5 फुट का रखा हुआ है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं छोटा ले लीजिए, बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा ले लीजिए। देखिए मैं अलग से प्लाई का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस पर कुछ भी चिपकाना है, कपड़ा चिपकाना है या कुछ भी हमें डेकोरेशन की चीजें चिपकानी है तो हमारी टेबल खराब नहीं हो, इसलिए मैं ऊपर से प्लाई का इस्तेमाल करती हूँ। प्लाई नहीं मिले आपके पास में तो कोई बोर्ड होगा, बोर्ड ले लीजिए। बोर्ड नहीं है तो अगर आपका थोड़ा छोटा है तो माउंट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साइज मेरा बड़ा है यहाँ पर तो मैं माउंट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर माउंट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं अगर छोटा बना रहे हैं तो, और बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। बोर्ड आप बड़े साइज में कटवा के उसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस बार हर बार मैं राउंड टेबल पर डेकोरेशन दिखाती हूँ, राउंड टेबल पर ही मैंने स्क्वायर ये प्लाई रखी है तो इस बार का जो डेकोरेशन का स्टाइल है वो स्क्वायर पे बैठेगा हमारा, ठीक है। उसके साथ में देखिए क्लॉथ, अब ये देखिए घर में जो भी कपड़ा आपके पास हो मैं वही कहना चाहूंगी वो ही आप लें, यहाँ वहां दौड़ ना लगाएं, कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन भी आप अपने हिसाब से घर में चीजें रहती उससे बना सकते हैं। ये देखिए सिंपल सा कपड़ा है जो घर में आसानी से मिल जाता है और व्हाइट कलर का इस बार मैंने कपड़ा लिया हुआ है। बेस तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले कपड़े को पूरी प्लाई पे रखना है, अच्छे से इसे टाइट कर देंगे हम पूरा, और प्लाई के नीचे से पूरा इस तरह से टाइट करके चिपका देंगे इसे। चाहे तो आप स्टेपल से भी चिपका सकते हैं, जो प्लाई पे लगता है वो स्टेपलर से आप लगा सकते हैं, नहीं तो ग्लू से आप आराम से चिपका सकते हैं। पूरा चिपका के फिनिशिंग के साथ में इसे पूरा तैयार कर लेंगे। देखिए ऊपर का कपड़ा पूरा चिपकाने के बाद में हम आगे के हिस्से को भी कवर कर लेंगे, इस तरह से तो अच्छा नहीं लगेगा। कवर करने के लिए बिल्कुल सेम कपड़ा लिया है। देखिए अगर आपके पास में कपड़ा कम है तो आप दूसरे कॉम्बिनेशन का कपड़ा भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नीचे आप दूसरा कॉम्बिनेशन आराम से दे सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा ना हो कि कपड़ा नहीं है तो हम कर ही नहीं पाए, ऐसा चीज ना हो जाए। आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए, 2 से 3 कलर के कॉम्बिनेशन से आप इसे तैयार कर लीजिए। और ये जो प्लाई है हमारी उसके किनारे पर हम रखकर इसे इस तरीके से रखकर पूरा ग्लू से चिपका देंगे और पूरा स्क्वायर हम टेबल एक तैयार कर लेंगे हमारे गणपति जी को बिठाने के लिए। टेबल अरेंज होने के बाद में दोस्तों, पहले प्रॉपर टेबल अरेंज हो जाए उसके बाद में आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने ढेर सारे बिस्किट रखे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे इस बार का जो डेकोरेशन है वो हमारा बिस्किट के साथ होने वाला है। दोस्तों देखिए आज के वीडियो में मैंने बेसिक चीजें आपको बताई है, टेबल को अरेंज करना बताया है और मैंने ये चीज बताई है कि बिस्किट से हम करने वाले, ताकि आप बिस्किट अरेंज कर सको, बिस्किट ला सको। ये समय में बिस्किट तो आसानी से मिल जाएंगे और जो ये बिस्किट हम यूज करेंगे सब इस तरह से पैकेट के पैकेट ही हम यूज करेंगे, ताकि ये बाद में किसी को भी देने लेने के काम आ सके, डोनेशन के काम आ सके, ताकि वेस्ट नहीं हो हमारे कोई भी बिस्किट। कोई भी खुले हुए ओपन बिस्किट का हम यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और थ्रू आउट पूरे वीडियो में जैसे धीरे धीरे आगे हमारे वीडियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको और सामान की जानकारी देती जाऊंगी कि हम क्या क्या यूज करेंगे। पहले हम पूरा समझ नहीं सकते कि हम क्या क्या यूज करेंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़े थोड़े में हम आगे बढ़ के बनाते जाएंगे। तो देखिए बिस्किट है यहाँ पर मेन, तो एलिमेंट हमारा सबसे मेन एलिमेंट बिस्किट लिया हुआ है इस बार। और बिस्किट के साथ में आप कैसे भी बिस्किट ले सकते हो, कोई भी बिस्किट ले सकते हो,
और साथ में आप चॉकलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हो, ये मैं आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ। या इस तरह के स्क्वायर कोई भी बॉक्सेस का ढेर हो वो ले लीजिए अगर आपको बिस्किट नहीं लेना हो तो। लेकिन बिस्किट का मानिए बनाएंगे तो बहुत ही यूनिक और अच्छा लगेगा, और बाद में देखिए डोनेशन के भी काम आएंगे, बिस्किट्स हम सबको खिला भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा डेकोरेशन बिस्किट से होगा, तो आप बिस्किट अरेंज कर लीजिए। देखिए क्वांटिटी कितनी लगेगी ये तो आपको लास्ट पूरा जब तक हमारा डेकोरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकती, लेकिन एट प्रेजेंट देखिए 200 से 300 बिस्किट एक के पैकेट्स मैंने ले रखे हैं। देखते हैं उसमें से कितने लगते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे और ऐड होंगे या और कम होंगे, कितने लगेंगे हमारे डेकोरेशन के हिसाब से, उतने अंदाजन आपको बिस्किट अरेंज करने हैं और इस तरह से टेबल और कपड़ा अरेंज करना है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।